अगर आपकी स्किन ड्राई, रूखी या फिर बेजान है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम निविया कंपनी की तरफ से न्यूली लॉन्च हुए निविया फेस वॉश मिल्क डिलाइट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की। तो फ्रेंड्स इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर मिल्क एंड हनी को यूज़ किया है, जो कि दोस्तों स्पेशली तौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए बनाया गया है। और आप जानते हैं कि मिल्क और हनी हमारे स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट और मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी कि उनकी ड्राई स्किन को हील करने का काम करता है। अगर बात की जाए इसके क्वांटिटी की तो ये है 100 ml का, और बात करें इसके प्राइस की तो इसकी प्राइस है 165 रुपये। मैंने इसे कॉस्मेटिक स्टोर से परचेस किया था। ये दोस्तों ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो डिस्काउंट में तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का यह सवाल होता है कि ड्राई स्किन क्या होती है, ऑयली स्किन क्या होती है, और कॉम्प्लेक्शन यानी कि नॉर्मल स्किन या फिर कॉम्प्लेक्शन स्किन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जब हम हमारे फेस को वॉश करते हैं तो हमारा फेस वॉश करने के बाद में रूखा रूखा हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन ड्राई है। अगर दोस्तों आप अपने फेस को वॉश करते हैं और आपके फेस पर ज़्यादा रूखापन नहीं आता, यानी कि आपकी स्किन रूखी रूखी सी बिल्कुल भी नहीं लगती, बेजान बिल्कुल भी नहीं लगती, तो आपकी स्किन ऑयली है। और दोस्तों ये वाला फेस वॉश स्पेशली तौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है, बेजान है, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करें, ये आपके लिए अच्छा खासा रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। बट दोस्तों अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये तो 165 रुपये का है, बट दोस्तों काफ़ी लोगों के बजट से बाहर होता है। तो दोस्तों अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका ज़रूर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से आपको कोई भी प्रकार का दबाव नहीं है कि आप इसका ही यूज़ करें, मेरा काम है आपको जानकारी देना और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो या फिर आपके बजट में है तो आप इसका यूज़ करके परचेस भी कर सकते हो। ये सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि ये आपकी स्किन को गोरा बना देगा, आपके चेहरे के एक्ने पिंपल्स को दूर कर देगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे फेस के मेलाज्मा, ब्लेमिशेस, ईचिंग की प्रॉब्लम को भी बिल्कुल भी दूर नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किन के ड्राइनेस को ख़त्म करता है और स्किन को मॉइस्चराइज और नरिश करता है। ये किसी प्रकार के एक्ने पिंपल्स को ठीक नहीं करता। अब आपको पता चली गया होगा, अब आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल भी मत पूछना कि हमारे स्किन को गोरा करता है या नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी हमारे फेस को गोरा नहीं करता। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको ये कब और कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स आप इसको मॉर्निंग और इवनिंग में दो टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट दोस्तों इसको लगाने के बाद में अपने फेस मॉइस्चराइजर लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इससे अपने फेस को वॉश करेंगे और तो आपकी स्किन पे जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो 50% तक कम हो जाएगी। और इसके बाद में आपको मॉइस्चराइजर अगर आप लगाओगे तो दोस्तों आपके फेस पर 100% जो आपके फेस पर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो दोस्तों कम्प्लीट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, और दोस्तों आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा, और आपके फेस पर ड्राइनेस के कारण जो डार्कनेस की प्रॉब्लम भी आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप इसको लगाने के बाद में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों ये रही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।